कल्याण संस्था टीम रामचौकर कुंदा के अंदर पहुंची है। मैं तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ इस घर में, पहले यहाँ पहले मदद की गई है माता जी की। तो यहाँ एक ऐसी जगह है, माता जी अकेली है, कैंसर की बीमारी से पीड़ित है, इस उम्र में कोई भी संभालने वाला नहीं है। गरीब कल्याण संस्था समय समय पर ऐसी माताओं को जो समाज में अकेली रहती है और लाचार है, बीमारी से ग्रस्त है, समय समय पर संभाल करती रहती है। तो आज हमारे साथ है, बड़ी खुशी की बात है, स्पेशल भाई आज मोहित है कंसाड़ा से, जो रक्तवीर के नाम से जाने जाते हैं हरियाणा के अंदर, और इनकी उनकी मिसेज जी साथ रुचिका खोखर जी भी साथ में आई हैं। ये भी हम काफी दिन का यहाँ पहुँचने पर खरगोदा पहुँचने पर बहुत आदर सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हमारी खरगोदा की युवा टीम के भाई विजेंद्र सिंह जांगड़ा जी, हमारे तनुज नागपाल जी, भाई सैनी जी, काला रोठिया भाई, और हमारे तमाम ये साथी यूनिस खान भाई, वसीम भाई, अजय बेटा, अंकित बेटा, ये सारे साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। और शक्ति ठेकेदार भाई के बारे में मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आज एरिया में कोई भी इनके नाम से मोहताज नहीं है, क्योंकि लगातार मेरी भी 2-3 महीने से ट्रेनिंग चली हुई है, मैं लगातार देख रहा हूँ शक्ति भाई को, एक धरातल पर जाकर गरीब परिवारों के घर जाकर इतनी बड़ी बड़ी मदद, ऐसी माताओं की मदद कर रहे हैं भाई। तो भाई को मैं सैल्यूट करता हूं, मैं गरीब कल्याण संस्था की पूरी टीम को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि अब मेरे को भी ये पता लग गया भाई, अब मेरी भी इतनी ज्यादा, अगर मैं रहूं या ना रहूं तो मेरी भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम के स्ट्रांग साथी समय पर ऐसी माताओं को संभाल रहे हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, इस माता जी को समय समय पर गरीब कल्याण संस्था मदद पहुंचाती रहेगी। आज स्पेशल डे पर इस माता जी की मदद कर रहे हैं, तो बेटा जो अंकित है, ज्यादा ना बोलते हुए सभी दानवीर भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और वीर के नाम से भाई मोहित खोकर कंसाड़ा से थोड़ा सा अपना वक्तव्य डालेंगे। सारे भाई, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी गरीब कल्याण संस्था समय समय पर गरीब परिवारों की मतलब हमेशा मदद करती रहती है, और आज मेरे को भी जो है यहाँ पे उनके साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों को नमस्कार और हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर हम अकेला आदमी 100 रुपए की किसी की मदद करता है तो काफी नहीं होती, अगर हम संस्था के साथ 100 रुपए देते हैं तो अन्य साथी भी हमारी देखा देखी उनको 50-100 रुपए जो देंगे तो 1,100 हो जाते हैं। तो इस तरह से हम संस्था के साथ मिलकर मदद करें वो काफी बेहतर होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब मैं चाहूंगा हमारे युवा साथी खरगोदा से विजेंद्र जांगड़ा जी, हरियाणा दिवस की और विश्वकर्मा डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। गरीब कल्याण संस्था की टीम आज पहुंची है रामचौक में इस माता जी की मदद करने के लिए। देवेंद्र भाई ने सब कुछ बता दिया, कैंसर जैसी भयानक बीमारी से माँ पीड़ित है, लेकिन गरीब कल्याण संस्था आप सभी को विश्वास और भरोसा और यकीन दिलाती है कि इस माँ की इसके बेटे बनकर सेवा करेंगे। गरीब कल्याण संस्था का हर सिपाही इसका बेटा है और इसके बेटे बनकर इस जीवन पर्यंत सेवा करेंगे। हम धन्यवादी हैं सभी के जो गरीब कल्याण संस्था में अपना सहयोग देते हैं। मैं बधाई देता हूँ साथियों को जिनके आज बेटों का जन्मदिन है। आदरणीय ललित जोशी जी हैं बहादुरगढ़ से, उनके बेटे युवराज का जन्मदिन है, और इस खोदा क्षेत्र गरीब के दुख दर्द को दूर करने की कसम खा रखी जी उन्होंने, हर गरीब के दुख का पीड़ा जिनके दिल में है। आदरणीय बड़े भाई शक्ति ठेकेदार जी हमारे बीच में हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शक्ति ठेकेदार जी से कि वो इस माँ के लिए जैसे रामचौक में अपने माँ को गोद लिया है, मेरी प्रार्थना गरीब कल्याण संस्था की ओर से आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस माँ का भी बेटा बनकर इसको गोद ले लो। इस माँ का दुख दर्द देखा नहीं जा रहा भाई साहब, कैंसर है, अकेली रहती है भरे घर में, देखो ये घर देखो, अकेले घर में रहती है, आप इसका बेटा बनकर इनको गोद लो और इनकी जीवन पर्यंत सेवा करने का निर्णय लो। भाई शक्ति ठेकेदार जी आपके बीच में हमारे तो एक हमारा तो भीतर से ही मन में ऐसा हो जाता भाई, माता जी को भाई शक्ति
ठेकेदार ने क्योंकि पहले भी माता जी को गोद लिया है तो माँ की तरह इसकी सेवा करेंगे। और आज इस प्रोग्राम में अपने मोहित कोकर भाई आए हैं, रक्तवीर इनकी मिसिज आई है, तो इनके तो ये मोहित कोकर दोनों भाई बैठ जो कोकर कोदा वासियों को आपका निवेदन है, आपके बीच में हमारा भाई शक्ति ठेकेदार एक आपकी सेवा के लिए हम नहीं होते तो ये आपके 24 घंटे आपके मध्य रहेंगे। किसी भी साथी को ऐसी माता के लिए जिस तरह से इनकी कंडीशन है, अगर कोई भी इस तरह का परिवार खरगोदा के अंदर है तो शक्ति भाई ठेकेदार के ऑफिस पर अपना नाम लिखवा दे खाली, या किसी हमारे गरीब कल्याण संस्था का भाई विजेंद्र जांगड़ा है या रोहित है भाई सैनी है किसी के पास भी एक बार मैसेज कर दे, ऐसी माताओं को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और भाई शक्ति ठेकेदार ने इन माताओं के दर्द को देखते हुए इस अवसर पर की स्थापना करें खरखोदा के अंदर, कोई भी अनाथ बच्चा तो क्योंकि हमने देखा था वहां से कोई मदद भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो दोबारा से ठेकेदार के करोड़ों रुपए की जो जमीन है, ये फैसला भी छोटा फैसला नहीं है भाई, मैं तो बोला भी नहीं था आज तक क्योंकि क्या चल रहा क्या नहीं, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूँ भाई दुनिया में बहुत बड़े दानवीर होंगे लेकिन एक दानवीर करण की उपाधि में भाई को जो गरीब कल्याण संस्था के संरक्षक है, आज मैं भाई गरीब कल्याण संस्था का संस्थापक होने नाते भाई शक्ति ठेकेदार को एक दानवीर करण के नाम से कह देता हूँ भाई को, और तमाम उम्र भाई का हम आभारी रहेंगे क्योंकि हमने जो सपने संजोए थे वो हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, और भविष्य में भी जो भी प्लानिंग होगी वो संस्था के साथियों के सम्मुख रख दी जाएगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।